सरकारी महकमे की नजरअंदाजी के कारण जलंधर के रमणीक एवेन्यू में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परियोजना जिसमें सबसे अहम स्वच्छ भारत की योजना को नाकाम करने में सरकारी मुलाजिम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। रमणीक एवेन्यू में जब हमारी टीम ने दौरा किया तो पाया गया कि हर तरफ गंदगी का आलम था। सड़कें टूटी थी। रमणीक एवेन्यू लोगों के अनुसार जब ये कॉलोनी काटी गई तो ये पुड्डा के अंतर्गत काटी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद इस कॉलोनी को जलंधर के नगर निगम को ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रांसफर करने के बाद किसी भी अधिकारी ने इस कॉलोनी की सार नहीं ली, जिसके कारण इस कॉलोनी के सारे विकास कार्य रुक गए। लेकिन साथ में इस कॉलोनी में गंदगी की भरमार होनी शुरू हो गई और रमणीक एवेन्यू के निवासियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस कॉलोनी की भी खबर साथ ली जाए। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। आज रमणीक एवेन्यू नगर निवासियों वालों समुचे तौर के उत्ते एक मीटिंग की गई जिदे विच कॉलोनी दे विच आ रही दिक्कतों बारे विस्तार जाणू करवाया गया, जिस कारण जो सोसाइटी वालों एक असी इतने सोसाइटी बनाई है रमणीक एवेन्यू वेलफेयर सोसाइटी जो अपने तौर के उत्ते डिवेलपमेंट्स कर रही है अपने तौर के उत्ते कर रही है, पर जो बिल्डर वालों सानू फैसिलिटीज मिलनिया चाहिए वो नहीं मिल पा रही। इस गल करके असी सरकार को बेनती करते हैं कि जो पेपर एक्ट बनाया गया जो बिल्डर्स वास्ते बनाया गया कृपा करके उस चीज़ के उत्ते सख्ती दे नाल निर्देश किए जाण ता जो आने वाले दिनों के आम जनता नू किसी तरीके की भी परेशानी ना आ सके। मोस्टली की हुंदा है कि बिल्डर्स कलोनीज कट देंदे ने बट जो बेसिक लाइबिलिटीज ने वो पूरी नहीं कर पाते, जिवें सीवरेज दी जी नॉर्म्स ने पानी दी की नॉर्म्स ने किन्ने अप टू किन्नी देर तक उन्होंने कंप्लीशन लेनी है जिहड़ियां चीज़ां ने असीं लोग की करते हैं पुड्डा वेख के जगह तो लै लैंदे आ बट पंजाब सरकार वालों उन्होंने बिल्डर्स के उत्ते नहीं खिंचाई की जाए ता जो आम जिहड़े लोग ने वो नर्क तो भी बदतर जिंदगी बिता रहे। इन्हें जी सारिया सड़क टूटिया पे ने ठीक है, सीवरेज टोटली ब्लॉक ने, पानी की कोई दिक्कत आ जाती है तो आप सारे जनियां रल के कोई मोटर ठीक कराओ जी, कोई पाइप आओ जी, कोई पलंबर लैके आओ जी, जो भी भाजी सरकार वालों जो सानू दिता जाना चाहिए वो असं आम लोग कर रहे हैं। असं पुड्डा के ऑफिस जाने पुड्डा कहती है जी कारपोरेशन जाओ, कारपोरेशन को जाने कहें जी पुड्डा जाओ, पुड्डा को जाने जी कारपोरेशन जाओ, अन्ना दोवों को जाके कहें जी बिल्डर ना गल करो, मुड़ के बिजली वाले ना गल करो जी। जो हूँ इतने 12 ट्रांसफार्मर पास ने जी, सिर्फ कॉलोनी के 4 ट्रांसफार्मर लगे ने, गर्मियों के सारी रात बच्चे गर्मियों च कटते हैं, जिन्हें भी इतने योधे बैठे ने रोज रात पौड़ियां लै लैके कभी किसी वाड़ कभी किसी वाड़ कोई बिजली वाला लैके आ वो 2000 लै गया पैसे दे के इतने लोग आप इतने करते पे ने। सुरेंद्र चौधरी जी MLA हलका करतारपुर जी हाले कल जाके मेमोरेंडम दे के आए ने, उन्होंने उन्होंने आश्वासन तो दिता कि देखा बट गांह देखते हैं जी कि देर आई होर देखा गांह होर फर्दर प्लान्स ने DC साहब नूं मिलेंगे, हो सकिया लोकल बॉडी मिनिस्टर्स नूं भी मिलेंगे, जे आई है सानू प्रिंसिपल सैकटरी नूं भी मिलेंगे, असीं उत्थे तक ही जावांगे जे सानू लोड़ पई पंजाब दे मुख्यमंत्री दा दरवाजा खड़कवाउण दी उत्थे भी जावांगे, पर जे लोग आम लोग जिवें बदतर जिंदगी जी रहे हैं मैं समझदा कि गवर्नमेंट नूं कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन जरूर लेना चाहिए जिहदे करके आने वाले दिनों दे विच जिहड़े आम लोग ने सुकून की जिंदगी जी सकन। कॉलोनी में सारे रेजिडेंट ने बुढ़ा अपरूव देख के कॉलोनी ली, लेकिन कॉलोनी अज तक अपरूव के मुताबिक कुछ भी नहीं बनाया गया। इतने का सीवरेज का पानी जो खाली प्लॉट है उन्होंने छड़िया गया और पंप ला के फोरसिल भी छड़े जाता जिस नाल पूरी कॉलोनी बीमारियां फैल रही हैं और कॉलोनाइजर इस बारे बिल्कुल जानकारी क्योंकि पंप भी वह ही लग्या होया जिहड़ा सीवरेज फोरसिल पानी कढ़ के खाली प्लॉट छड़िया जा रहा। ये जो प्रॉब्लम्स है कॉलोनी बाउंड्री वाल नहीं हुई सारा कुछ कॉलोनाइजर अज तो एक महीना पहले लिखती रूप से दिता गया लेकिन उस कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस तो बाद असी सारे डिपार्टमेंट्स म्यूनसिपल कारपोरेशन और पुड्डा च बार बार गए हैं और सानू सब निराशा ही मिली है।